अगर आपको फिश मसाला खाना अच्छा लगता है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कशेफ्स किचन चैनल। आज हम बना रहे हैं फिश मसाला करी, जो बहुत ही सिंपल और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे। टेस्ट वाइज बहुत अच्छी होती है, किसी भी स्पेशल ओकेज़न पे आप इसे बना के सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मछली ली है। आप किसी भी तरह की मछली का यूज़ कर सकते हैं इस करी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कतला फ़िश ले ली है, थोड़े से पीसेस बड़े रखे हैं मैंने। तो सबसे पहले इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे ऐड करेंगे हम हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच से, थोड़ा सा कम ही। अब डाल देंगे इसमें नमक 1/2 छोटी चम्मच, और इसके साथ ही यहाँ पर जाएगा लाल मिर्च पाउडर, ये भी 1/2 छोटी चम्मच के लगभग ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड किया है मैंने 1/2 नींबू का रस, इससे टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और मछली में जो एक स्मेल होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब मसालों को अच्छी तरह से रब कर लेंगे और हम मछली को मैरिनेट कर लेंगे इस तरह से। देखिए, तो यहाँ पे अच्छी तरह से मसाले को कोट कर लिया हमने दोनों साइड। ये देखिए, इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। इस बीच हम मसाला पेस्ट बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया है, एक गांठ लहसुन है पील कर लिया मैंने, 1 इंच टुकड़ा अदरक का ले लिया है, हरी मिर्च ले लिए मैंने 2, यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज को रफली चॉप करके लिया है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को। इसके साथ ही हमें चाहिए 1 टीस्पून ज़ीरा, और यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। अब इनका हम पेस्ट बनाएंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज के साथ जीरा काली मिर्च को ऐड करके एक पेस्ट बनाएंगे सेपरेटली, और टमाटर के साथ अलग पेस्ट बनाएंगे। इस तरह से देखिए, दोनों पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए, सारे प्रिपरेशन करने के बाद अब हम फिश करी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए कढ़ाई में तेल गरम किया है मैंने। तेल हमारा जैसे ही अच्छा गरम हो जाएगा, हम इसमें मछली के पीसेस को ऐड कर देंगे जिसे मैरिनेट करके रखा था। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू हाई के बीच रखिए। मछली को हमेशा तेज आंच पे ही फ्राई कीजिए, नहीं तो वो टूटने लगती है। लगभग 1.5 से 2 मिनट के बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। आप देखेंगे कि नीचे से इसने पैन को छोड़ दिया है, तब समझ जाइए कि अच्छी तरह से नीचे से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबको मैंने फ्लिप कर दिया है और नीचे से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसी तरह से 1.5 से 2 मिनट के लिए दूसरी साइड भी हम इसे फ्राई कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए, दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो मछलियों को फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से हम सबको बाहर निकाल लेते हैं कढ़ाई से, और जो भी एक्सेस ऑयल है उसे कढ़ाई में ही रहने देंगे, हम इसी में ग्रेवी बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने पीसेस फ्राई कर लिए। अब सेम पैन में हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1 छोटी चम्मच। ज़ीरा जैसे ही चटक जाए तेल में, हम सबसे पहले इसमें प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च जीरा और काली मिर्च का जो हमने सेपरेट पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और यहाँ पर गैस का फ्लेम आपको लो कर दे रहा है। मिलाने के बाद इसे कवर कर देंगे हम लगभग 5 मिनट के लिए, ताकि मसाले में जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, 5 मिनट हो चुका है, मिला लेते हैं पहले। उसके बाद जितने भी सूखे मसाले हैं वो हम इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिए, 2 छोटी चम्मच लिया मैंने। अब डालेंगे इसमें 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। अब यहाँ पर गया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया मैंने 1/2 छोटी चम्मच, क्योंकि हरी मिर्च भी ऐड किया है इसके लिए। हल्दी पाउडर डाल देंगे, और यहाँ पे नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार। हम सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और ये सारे प्रोसेस हम लो फ्लेम पे ही करेंगे। तो मसालों के साथ मिलाने के बाद हम फिर से इसे कवर करेंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि मसाले का जो रॉ फ्लेवर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे कवर कर देते हैं 5 से 6 मिनट के बाद। यहाँ पे मैंने लीड हटाया है, आप देख सकते हैं इसमें से तेल सेपरेट हो रहा है। इस स्टेज पे हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे, इसके साथ ही एक बंच यहाँ पे धनिया की पत्ती ऐड कर दीजिए बारीक चॉप किया हुआ। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है ग्रेवी को, तो इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अब टमाटर के साथ इसे अच्छी तरह से भून लेना है हमें। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद फिर से कवर करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने कवर हटाया, आप देख सकते हैं कि ग्रेवी हमारी काफ़ी अच्छी भुन रही है। कवर करते हुए आप भूनेंगे तो मसाला बहुत अच्छी तरह से भुनेगा धीमी आंच पे। तो यहाँ पे देखिए, फिर से हम इसे कवर करेंगे। तो मसाले को कवर करते हुए हमने लगभग 20 मिनट तक भूना है लो फ्लेम पे। मसाले को आप जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे धीमी आँच पे,
इसका टेस्ट उतना ही बेहतरीन आता है। तो थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है, आप लास्ट में देखेंगे कि ये रेसिपी कितनी अच्छी बन के आती है। तो यहाँ पे देखिए मसाले से पूरी तरह से तेल अलग हो चुका है, तो इस स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी बनेगी, तो इसके लिए मैंने 1.5 कप पानी इसमें ऐड किया है। अगर थोड़ी पतली ग्रेवी आप चाहते हैं तो 2 कप तक पानी ऐड कर सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर दीजिए ताकि जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए। मिक्स कर दिया मसाले को मैंने पानी के साथ और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच के लगभग गर्म मसाला पाउडर। मिक्स कर लेते हैं और अच्छा बॉयल आ गया है इसमें, तो इस स्टेज पे हम इसमें मछली के पीसेस को ऐड कर देंगे जिसे हमने फ्राई करके रखा था। तो ये देखिए ऐड कर दिया मैंने, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि ग्रेवी का जूस मछली के अंदर आ जाए। और यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया, ये देखिए इस तरह से। अब सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे कवर कीजिए ताकि जितना भी इसमें तेल है वो पूरी तरह से ऊपर आ जाए। बहुत ज़्यादा इसे कवर करके पकाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मछली टूटने लगेगी। तो 2 मिनट के बाद मैंने लेट हटाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से तेल ऊपर आ चुका है, ये देखिए। और पीसेस भी देखिए बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है। ग्रेवी आप देख सकते हैं जैसे ये हल्की सी ठंडी होगी और भी गाढ़ी हो जाएगी, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। गार्निश कर दीजिए थोड़े से धनिया की पत्ती के साथ और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए स्टीम राइस के साथ। बिल्कुल इसी तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।